बेटे बिना सृष्टि नहीं, तो बेटे बिना हो जाएगी सृष्टि। सब बराबर से हैं, ऐसा नहीं। लोग जबरन ही कह रहे हैं, बोले बोले अबला थी, वो अबला थी पहले स्त्री। भाई अबला थी ना कभी है, पहले टेक्निकल कारण था, टीआई साहब जानते होंगे, जब महिलाएं पतियों को तनख्वाह मिलती थी और घर लेकर के पहुंचते थे, पोटा जी 2256 रुपया लेके पहुंचते थे, तो पत्नी कहती थी अबला, इसलिए अबला थी। अब एटीएम पत्नियों के पास होता है, सब वो कहती है सबला, जब सबला हो गई। जबरन बोले नहीं, स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। मैंने कहा पुरुषों का और ज्यादा कोमल होता है, जबकि स्त्रियों का कठोर होता है। बोले सिद्ध करो। मैंने कहा सिद्ध करता हूं, आप बस में जा रहे हो, आपके बगल में खूबसूरत महिला बैठी हो, आपको गलती से नींद आ जाए और आपका सिर महिला के कंधे पर पहुंच जाए, तुरंत पुलिस को बुला लेगी 100 रुपए में, वो 100 नंबर डायल करके। यही सब कह रहे हैं, तुम रेट खराब करोगे मेरा। ऐसे दोस्त से दुश्मन अच्छे। तो 100 नंबर लगा देगी, पुलिस बुला लेगी, बस में पिटवा भी सकती है। अब इस दृश्य को उल्टा करो, उसको नींद आ जाए, उसका सिर तुम्हारे कंधे पे, तुम्हें मुरैना जाना होगा, ग्वालियर पहुंच जाओगे। लेकिन आप उसको ये नहीं कहोगे कि दीदी इधर हो जाओ। तो ये पुरुष भोला होता है, बहुत भोला अपनी बात पे। लेकिन बेटी बचाओ नारा हुआ, बेटियां बच गईं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अब बेटियों कुछ बचाओ। बेटी बच गई, आंकड़े बदल गए देश में, आंकड़ों में सुधार हो गया, अध्यक्ष जी बैठे। अब मैं बेटियों से बहनों से कह रहा हूं, एक बेटी मंच पर दो बेटियां बैठी है, कि संसार की सृष्टा हो तुम, नारी हो युग दृष्टा हो तुम। आदरणीय दद्दू बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूं, लेकिन एक युग उन्होंने जिया है, उनको साक्षी मान करके कुछ मांग रहा हूं बेटियों से। आपको लगे उन्होंने 2 युगों को देख लिया है, तो जो मैं मांगने जा रहा हूं ये बेटियां स्वीकार कर ले, कि इस संसार की सृष्टा हो तुम, देवी हो युग दृष्टा हो तुम, आदि हो तुम अंत तुम्ही हो, दिग हो और दिगंत तुम्ही हो, बहुत बढ़ चुकी भारत माँ की, संभव हो तो पीर बचा ले, हे नारी तू नीर बचा ले, भारत की तस्वीर बचा ले, हे नारी तू नीर बचा ले, भारत की तस्वीर बचा ले। और नीर का अर्थ बहुत व्यापक है विजय भैया, नीर का अर्थ बहुत व्यापक है, नीर का अर्थ है परंपरा से, नीर का अर्थ है मर्यादा से, नीर का अर्थ है मानी से, सम्मान से, पानी से। एक बंद और पढ़ता हूं कि हे नारी तू नीर बचा ले, भारत की तस्वीर बचा ले, कोमल बचपन चीख रहा है, पश्चिम शैली सीख रहा है, चाउमीन बर्गर और पिज्जा है बचपन बीमार नतीजा, जिससे हो बलवान पुनः बए, दलिया खिचड़ी खीर बचा ले, हे नारी तू नीर बचा ले, बहुत सुंदर तस्वीर बचा ले, हे नारी तू नीर बचा ले। वो गाने टपाटप, इस लड़के के इसका मोबाइल चेक कराओ, जरूर इसके मोबाइल में गलत सामग्री मिलेगी। ये डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब इसका मोबाइल चेक करवाना, हम आपका लड़का है, कह रहा मैं डॉक्टर साहब का आदमी हूँ, मेरा नाम खराब करेगा किसी दिन। बहुत अच्छे लड़के, तेरा भविष्य उज्ज्वल है, घर वालों का ही अंधकारमय हो सकता है। बहुत प्रणाम करता हूँ, अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन अभी भी 10 कवि शेष हैं और 10ों के 10 विशेष हैं, इन विशेष कवियों को। लेकिन मैं टीआई साहब से अनुरोध करता हूँ, भारी पुलिस बल मंगा करके गेट पे बिठा दे, जो लोग यहाँ पर हैं वो कोई नहीं जाए, क्योंकि इतने कवियों को अगर हम 10-10 में बांटे तो 10-10 आदमी ही उनके हिस्से में आता है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बड़ी है, डॉक्टर साहब ने जो अनुष्ठान रच दिया है और राजनीति में इतने कवि भारी मात्रा में बुला लिए हैं, मैंने तो बैनर देखते ही कहा था कि मुझे बख्श दो जनता पर, सबलगढ़ के लोग मेरे अपने लोग हैं, उन पे अत्याचार मत करो। लेकिन राजवीर जी भाई साहब माने नहीं और आखिर में इतने सब लोग इकट्ठे हो गए। मैं कवि को खुद सुनना चाह रहा हूँ, बहुत प्यारा गीतकार, जिनकी प्रस्तावना में मैं कह रहा था कि बहुत विलक्षण लेकिन सबसे प्यारा है। क्या हो गया, ठंड लगी? बहुत विलक्षण लेकिन इन्हीं हरकतों के लड़के अपने घर पे आजकल बुलडोजर चलवा लेते हैं। बहुत विलक्षण लेकिन सबसे प्यारा है, आपको बुलाते हैं सर, धर्म संकट है पूरा। अब भूमिका किसकी बनाई है? राजकिशोर जी की बना दी।
भूमिका तो मैं अपनी बना रहा था, भूमिका गजब होती है। बहुत विलक्षण लेकिन सबसे प्यारा है गीत नाम का ये लड़का आवारा है। गाता है तो बादल शीश झुकाता है, गाते गाते पर्वत पर चढ़ जाता है। अपनी धुन का इकलौता ध्रुव तारा है, ये सचमुच जादू का एक पिटारा है। एक जादू के पिटारे को बुलाइए राजकिशोर राज को आवाज। माँ शारदे को नमन करता हूँ, समृद्धशाली मंच को नमन और सबलगढ़ के शुद्ध श्रोताओं को। भाई साहब कोटि कोटि डॉक्टर साहब कह रहे हैं पानी इस बार ज्यादा बरस गया तो बादल कब बरसों की जगह दूसरा कोई गीत सुना दो। इतना बरस गया कि बाजरा खराब हो गया, वो इधर आपने फिर से पढ़ दिया और पानी बरस गया तो माजरा खराब हो जाएगा। स्वागत है समृद्धशाली मंच को नमन, आप सबको नमन और डॉक्टर साहब को मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डॉक्टर का जो पेशा है वो बहुत व्यस्त होता है, उसके बाद भी साहित्य के लिए काम करना, इतना बड़ा अनुष्ठान रच देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार उनके सम्मान में आप ताली बजाइए। और ये सबलगढ़ की जो मिट्टी है इससे एक नाम आता है, भाई राजवीर सिंह भारती। शायद आप उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में सबलगढ़ ऑल आवर वर्ल्ड में राजवीर भारती के नाम से जाना जाए। ये बिल्कुल सत्यता है, कोई मुंह देखी बात नहीं है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। आप सबके सामने वो बात आएगी। चार पंक्तियों से मैं जुड़ना चाहता हूं, सुनिए, कोशिश करता हूं। जन्म जिसने दिया उसको नमन हर बार करता हूं, जन्म जिसने दिया उसको नमन हर बार करता हूँ। जन्म भूमि को यारों मैं नमन कई बार करता हूँ। जन्म भूमि को यारों मैं नमन कई बार करता हूँ। नमन उनको भी है मेरा लगे जो देश सेवा में, नमन इनको भी है मेरा लगे जो देश सेवा में। शहीदों की शहादत को नमन सौ बार करता हूँ, शहीदों की शहादत को नमन सौ बार करता हूँ। चार पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन करता हूँ, सुने। अवध में आज खुशियों के नए पैगाम आए हैं, अवध में आज खुशियों के नए पैगाम आए हैं। मयूरा नाच कर गाए मेरे घनश्याम आए हैं। सरित सरयू भी व्याकुल है चरण रघुबर के धोने को, सरित सरयू भी व्याकुल है चरण रघुबर के धोने को। अयोध्या में सुनो फिर से प्रभु श्री राम आए हैं, अयोध्या में सुनो फिर से प्रभु श्री राम आए हैं। और मुझे पता है कि सबलगढ़ के श्रोता
बहुत अच्छी कविता सुनते हैं। और मैं ज़रूर, जैसा सुमित भाई ने कहा कि आज दूसरा गीत आपको पढ़ना है, तो मैं एक गीत आपके बीच रखूंगा। चार पंक्तियां मैं श्रृंगार की पढ़ना चाहता हूं, देश की एक बड़ी कवित्री श्रृंगार की, ममता वाणी आपके बीच उपस्थित है। मैं उनके सम्मान में चार पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। तुझसे मिलकर लगा तू मेरा यार है, तुझसे मिलकर लगा तू मेरा यार है, जिंदगी में मेरी तेरी दरकार है, जिंदगी में मेरी तेरी दरकार है। धड़कने मेरे दिल की बताती है ये प्यार हूँ मैं तेरा, तू मेरा प्यार है, प्यार हूँ मैं तेरा, तू मेरा प्यार है। ये ममता जी के लिए थी? नहीं नहीं, मैं तो श्रृंगार की पढ़ रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बाबा कवि केशव जी ने, महाकवि केशव जी हुए, एक पुरुष इनकी काया का हो, बालों में ऐसी सफेदी आ गई हो और स्त्री उसे भाई बोल दे, दादा बोल दे, तो बड़ा कष्ट होता है, व्यक्त नहीं कर पाता वो आदमी। लेकिन हमारे आचार्य कवि केशव जी ने इस पीड़ा को व्यक्त कर दिया। क्या बात! और एक दोहा लिखा, केशव केसन अस्करी ज्यो बेरी न कराए। आप आचार्य कवि केशव जी के चरणों में प्रणाम करिए, दत्तू बैठे। क्या बात! क्या केशव केसन अस्करी, केशव अपने आप से बात करते हुए, केसन ये सफेद बालों ने अस्करी ऐसा कर दिया, जो बेरी ना कराए, इनके मन की पीड़ा है। केशव केशन अस्करी जो बेरी ना कराए, और चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह कह जाए। चंद्र बदन मृग लोचनी, तो बड़े डाई करवा ली है, बहुत सुंदर। मैंने डाई आज तक नहीं कराई है सुमित भाई, और मेरा सौभाग्य है मैं केशव दास जी के चरणों में भी कविता पाठ करके भाई सुमित और साथियां करके आया हूँ उसी भवन में। जी बिल्कुल, मेरा सौभाग्य। चार पंक्ति और निवेदन करता हूं, धीरे धीरे आपको गीत से जोड़ता हूं। मित्रों, हिंदुस्तान के लिए दुनिया दीवानी क्यों है, ये चार पंक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिर ऐसा कारण क्या है कि इस देश की दुनिया दीवानी है? कारण मैं बताता हूं क्यों है। वे तीर बांटते हैं, तलवार बांटते हैं, वे तीर बांटते हैं, तलवार बांटते हैं, फूलों की वादियों में बस खार बांटते हैं। अब मैं बताऊं कैसे दुनिया से हम अलग हैं, अब मैं बताऊं कैसे दुनिया से हम अलग हैं। तुम दर्द बांटते हो, हम प्यार बांटते हैं। तुम दर्द बांटते हो, हम प्यार बांटते हैं। और चार पंक्ति एक संदेश की, स्वागत है भाई साहब, चूंकि ये डॉक्टरों की महफिल है तब मैं चार पंक्ति एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी पिछले साल छहरा गांव में 30-32 लोग जहरीली शराब पीकर समाप्त हो गए, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तब चार पंक्ति सुनिएगा। मिट्टी सी सोनी खुशबू गुलाब में नहीं है, क्या बात है मेरा प्रिय। मिट्टी सी सोनी खुशबू गुलाब में नहीं है, जो बहाव में है मस्ती ठहराव में नहीं है। एक बात पीने वालों मेरी भी जरा सुन लो,
दारू में नशा है शराब में। जिंदाबाद कैसा, वाह वाह वाह। जो प्यार में नशा है शराब में नहीं है। और अंतिम चार पंक्तियां डॉक्टर साहब के सम्मान में, भाई राजवीर जी के सम्मान में, और सबलगढ़ के सभी सुधी श्रोताओं के सम्मान में, पूरे नगर के सम्मान में चार पंक्ति पढ़ता हूं और उसके बाद एक छोटा सा स्वागत। सोते हुए जज्बात को फिर से जगा दिया, सोते हुए जज्बात को फिर से जगा दिया, सावन की एक बदली ने फिर से भिगा दिया, उगता नहीं है तिनका भी बंजर जमीन में, उगता नहीं है तिनका भी बंजर जमीन में, तुमने उसी जमीन में सोना उगा दिया, तुमने उसी जमीन में सोना उगा दिया। धन्यवाद, थैंक यू। बस एक गीत आपके बीच, बिल्कुल नया गीत पढ़ रहा हूं, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप क्षमा करें। और हकीकत ये है कि मैं आपके बीच खड़ा हूँ, ये केवल कविता की ताकत है सुमित भैया, हकीकत बोल रहा हूँ। माताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसके बाद मैं मंच पे हूँ। और निश्चित तौर पर एक जीवन का शाश्वत सत्य मैं आपके बीच रख रहा हूँ। दादा बैठे बहुत अच्छे श्रोता है सबलगढ़ के, और राजवीर जी का ये शहर है। मैं एक अच्छी कविता आपके बीच रख रहा हूँ दोस्तों। हमारी ये आदत है, एक मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी हम उस काम को करते हैं। आप इस गीत को देखिएगा मित्रों, सुने, मैं कोशिश करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। रिश्ते नाते गांव नगरिए, रिश्ते नाते गांव नगरिए नहीं हमारे हैं, रिश्ते नाते गांव नगरिए नहीं हमारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं, रिश्ते नाते गांव नगरिए नहीं हमारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं। कैसे आप देखें, नदिया तट पर रेत का घर है, कितने दिन है किसे खबर है, नदिया तट पर रेत का घर है, कितने दिन है किसे खबर है, धुआं नहीं बाहों में भरता, बस में कौन पवन को करता, जीवन है सागर की लहरें, पल दो पल के लिए ही ठहरे, तूफानों से प्रीत घनेरी, कागज की कश्ती है तेरी, कभी कभी के बट से होते, कभी कभी के बट से होते दूर किनारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं। और दूसरा बंद देखें, बादल का क्या ठोर ठिकाना, रात कहीं दिन कहीं बिताना,
बादल का क्या ठोर ठिकाना, रात कहीं दिन कहीं बिताना, चलना ही तो है जिंदगानी, मीठा होता बहता पानी, पिंजरे में तू कैसे जिंदा, पिंजरे में तू कैसे जिंदा, तू तो है आजाद परिंदा, तू कोलू का बैल बना है, तेरा तन की जड़ में सना है, हरे भरे लहराते तूने, हरे भरे लहराते तूने खेत उजारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं। और देखें मनुष्य की प्रवृत्ति, देखिए आप, राजवीर भैया बहुत बड़े गीतकार हैं, और बस मैं तो ये समझो कि उनकी भूमिका में ही समझें आप मुझे, बन देखे, कागा मन उड़ता ही जाए, सब कुछ पाकर भी ललचाए, कागा मन उड़ता ही जाए, सब कुछ पाकर भी ललचाए, पाने की जिद कब रुकती है, तृष्णा सींचे कब बुझती है, दर दर जाकर भटक रहा तू, कंचन का मृग ढूंढ रहा तू, दर दर जाकर भटक रहा तू, कंचन का मृग ढूंढ रहा तू, रंग मंच है ये जग सारा, निश्चित है किरदार तुम्हारा, रंग मंच है ये जग सारा, निश्चित है किरदार तुम्हारा, भले समंदर बहुत बड़े पर, भले समंदर बहुत बड़े पर स्वाद में खारे हैं, खारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं, हम बंजारे हैं मितवा, हम बंजारे हैं। और अंतिम की अंतिम बंद सुनिए, बड़ी हवेली सून पड़ी है, आप कितना भी कमा लो, मैं तो कहता हूं कि ईमानदारी से अगर चार पल भी हम जी सकें तो पूरी जिंदगी से ज्यादा अच्छी है। बड़ी हवेली सून पड़ी है, मुंडेरों पर घास खड़ी है, कोई रहने वाला नहीं है, बड़ी हवेली सून पड़ी है, मुड़गेरों पर घास खड़ी है, सूना